हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम बोर्ड के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग होता है। ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग होता है। इसका आंसर ए गुलाबी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग गुलाबी होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है वो है निम्न में प्रबल क्षार है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन किसमें पूछा गया, 2015 में पूछा गया कि निम्न में प्रबल क्षार है। तो ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार है, बट उससे भी ज्यादा प्रबल क्षार कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। देखो HCl दुर्बल अम्ल नहीं है। देखो HCN है ना, ऑप्शन बी वो सबसे ज्यादा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2070 में पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, 2019 में, कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका आंसर होगा इसके आयन की मात्रा कम होती है। क्योंकि इसके आयन की मात्रा किस कम होती है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, H2S विलयन का पीएच मान है। ये देखो, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है, या फिर अम्लीय विलयन का पीएच, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, ये भी क्वेश्चन 2016 और 19 में पूछा गया है, या फिर H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, 2020 में। तो ध्यान से देखो, जब भी अम्ल का अगर बात आता है ना, तो हमेशा किससे हो जाते हैं, 7 से कम। इसका पीएच मान 7 से कितना हो जाता है, कम हो जाता है। और उदासीन अगर हो ना, तो पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7। और जब क्षारीय होता है तो पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक। ये अम्ल है, ये क्षार और ये उदासीन। तो देखो अम्ल की बात है ना, H2S विलयन का पीएच मान अम्ल हाइड्रोजन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 से कम। इन तीनों का आंसर 7 से कम ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा क्षारीय विलयन का पीएच मान है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। देखो हमने बताया कि क्षारीय जब माध्यम आता हो, ये इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 7 से अधिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारे इतने जो क्वेश्चन मैंने उतारे हैं, सभी क्वेश्चन पीएच पैमाने पे ही आधारित हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखो तुम्हें पता है कि क्षारीय होता है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का है। तो देखो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो देखो क्षार का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक ना, क्षार का। तो देखो इसमें देखोगे तो 1, 4, 5 ये 7 से कम है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 10 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक विलयन का पीएच मान 5 है या विलयन है। ये क्वेश्चन 2070 में पूछा गया है। तो देखो तुम्हें पता है कि देखो जो 7 से जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान क्या दिया है, 5 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक विलयन का पीएच मान 5 है या विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब देखो ये नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो ये अम्ल है।
इसका पीएच मान होगा। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है 2022 में। तो देखो नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, तो ये अम्लीय हो गया और अम्लीय का हमें पीएच मान पता है कि हमेशा ये 7 से कम होते हैं। तो देखो ऑप्शन हमें ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्योंकि ये 7 से कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10^-6 मोल एचसीएल विलयन का पीएच मान होगा। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि 10^-6 मोल एचसीएल विलयन का पीएच मान होगा। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो देखते हैं कि -6 है ना, तो -6 को ही क्या बोलते हैं, ट्रिक लगा देते हैं। बट हमेशा देखो ये -6 दिया ना, तो माइनस यहाँ पे नहीं देखना है, सिर्फ उसको देखना क्या इसके ऊपर घात है। तो देखो 6 है ना, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमेशा गलत हो जाएगा। जितना घात रहता है ना उसको माइनस, उसके साथ माइनस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ घात को यहाँ पे उतार, जो मतलब ऑप्शन में जो घात दिया होता है ना उसी को ट्रिक लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति 10^-2 न्यूटन। देखो फिर से कितना दे दिया है 2। इस विलयन का पीएच मान क्या है, तो देखो 1, 2, 3, -2। बट हमेशा मैंने क्या बताया कि हमेशा उसके घात को ही लिख देना, मतलब अगर पीएच मान अगर पूछे तो हमेशा क्या हो जाएगा इसका आंसर 2, ना कि -2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10^-7 मोल प्रति मीटर है। विलयन का पीएच मान है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो देखो 10^-7 है ना, तो हमेशा क्या मैंने बताया कि उसको माइनस में नहीं, सिर्फ देखो कि उसके ऊपर क्या घात है, तो सिर्फ 7 घात है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड के लिए कि शुद्ध जल का पीएच मान होगा। तो हमेशा याद रखना शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ये उदासीन होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़ो, कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो उदासीन का हमेशा पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो देखो पीएच मान 7 सही है, पीएच का मान 0 ये गलत है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा गलत, पीएच का मान 0 नहीं होगा उदासीन घोल के लिए, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, एच प्लस के सांद्रण का मूल 10^-7 मूल है, तो इसका पीएच मान 7 ही होगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब इसमें पूछ दिया है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो कितना है 1×2, कितना है 2 है। देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन अगर तुम लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और देखो दुधिया कर इस विलयन में क्या होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो देखो एंटीबायोटिक नहीं, इसका यूज नहीं करते हैं, एनाल जैसी का भी नहीं यूज करते हैं,
एंटीसीड, हाँ इसका यूज करते हैं हम लोग अपच का उपचार करने के लिए, एंटीसीड का हम लोग उपयोग करते हैं एंटीसीड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो खाने बनाने का सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये है धावन सोडा बनाने का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कब का पूछा है, 2020 और 2022 में। देखो रासायनिक हर एक सोडा का ना, जितने भी है ना चार है ना, उन सबका रासायनिक सूत्र पूछता रहता है ये हमेशा, तो ये हमेशा याद रख लेना इन लोगों का रासायनिक सूत्र क्या ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है? ये देखो कितने ईयर्स में पूछा गया, 22 में, 20 में, 15 में, 13 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड के लिए कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है वो है सोडियम क्लोराइड, गलत पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो हाइड्रोजन है ना तो ये अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 20, वो है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ऑप्शन बी क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कॉपर क्लोराइड, और ऑप्शन डी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, पेयजल को जीवाणु रहित, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ही हम लोग उपयोग करते हैं पेयजल को जीवाणु रहित करने में। देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखना कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ही योगदान होता है। ये क्वेश्चन देखो 2014 में, 17 में और 20 में भी पूछा गया, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2015 में पूछा गया है, तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया है ये इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है क्योंकि देखो जब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल रिएक्शन करते हैं तो बनाएगा H2SO3। सल्फर जो है ना वो जल में बहुत ही तेजी से जल में घुल जाएगा, उससे बनाएगा H2SO3, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 अब देखते हैं हम लोग, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होगा, किसका, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो देखो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए 5.2 अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, 5.2 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, वो होता है भूरा लाल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा है, देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है वो होता है भूरा लाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिश्चियन जल होते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर तुम लोग पढ़े होगे तो इसका आंसर बता दो आखिर क्या ही होगा, ये क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिश्चियन जल होते हैं, बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा होगा, दो होगा, तीन होगा या फिर चार होगा, इन चारों में ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखो इन चारों में ऑप्शन नंबर ए आधा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु क्रिश्चियन जल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 27,
धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन 14, 15, 16 और 22 में पूछा गया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मीठे सोडे का अणुसूत्र होता है। ये क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 में भी आ सकता है। तो देखो, मीठे सोडे का अणुसूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलते हैं लघु उत्तर प्रश्न पे। तो लघु उत्तर प्रश्न का पहला क्वेश्चन ये है कि पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन अम्लों तथा क्षारीय विलयनों के लिए के पीएच मान का परास बताइए। अब देखो, पीएच पैमाना क्या मापता है? पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, क्या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। देखो, पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, किसकी? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। अब देखो, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच पैमाना का परास बताइए। मतलब जो इसका चार्ट है ना, कि सात, अगर पीएच पैमाना अगर सात से कम, पीएच मान अगर सात से कम आता है तो वो अम्लीय होता है, और पीएच का मान सात है तो वो उदासीन है, और पीएच मान सात से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय। वो चार्ट यहाँ पे बना देना, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलयोजन अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो देखो, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का की जलयोजन अभिक्रिया होगा कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू ओ प्लस 1/1 एक से 1/2 एच टू ओ रिएक्शन किया तो बना है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। यही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन देखो 2014, 16, 19 और 22 में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना, ये बार बार पूछता रहता है। तो देखो, पीएच की परिभाषा तुम लोग लिख ही लोगे, तो सिर्फ इसको मैं बता रहा हूँ, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो देखो, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। देखो, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। अतः पीएच बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो ये नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्या होता है जब, केवल हमें क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है? ये क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया है, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। तो देखो, बनाएगा क्या? एसिटिक सोडियम CH3COONa प्लस, बचा क्या? हाइड्रोजन इधर, कार्बोनेट, यहां बनाएगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा एसिटिक सोडियम प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब देखो, कैल्शियम सल्फेट जब इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है क्या? कैल्शियम सल्फेट इनटू, अब देखो ये दोनों जल जुड़ जाएंगे, तो 2 इसका लॉस है, 1+3=4 हो जाएगा, तो 4/2 है तो क्या लिखेंगे? 2H2O। तो देखो, कैल्शियम सल्फेट
क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो मिलता है कैल्शियम सल्फेट इंटू टू एच टू ओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन पे। क्वेश्चन नंबर जो तीन दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में इसको एक क्वेश्चन दे सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं या फिर खाने के सोडे को गर्म करते हैं। क्या होता है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या होता है जब हम खाने का सोडा को गर्म करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो देखो ये क्वेश्चन 2015, 18 और 20 में पूछा गया है। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो जब भी तुम लोग पेपर दे के जब पेपर देने जाना ना तो किसी भी समीकरण को ना बिना बैलेंस करे मत आना, वरना उसका नंबर काट लिया जाता है। तो देखो इधर सोडियम एक है, इधर कितना है दो है, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में टू से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो देखो दो सोडियम दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इधर है, तीन दो न छः कितना है ऑक्सीजन, तीन तीन एक चार, चार दो छः ऑक्सीजन, दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को। क्वेश्चन नंबर फोर दिया अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं, अमोनिया NH4 है ना, इसको गर्म करोगे तो मिलेगा NH3 प्लस, एक मिनट सॉरी, अमोनिया क्लोराइड है ना, अमोनिया क्लोराइड को अगर गर्म करते हैं तो हमें मिलेगा NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl। देखो मान लो अमोनियम क्लोराइड को गर्म किए तो हमें अमोनिया प्लस HCl मिला है। तो देखो अगर इसको बैलेंस करें तो देखो नाइट्रोजन इधर भी एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर चार है, तीन एक चार ये भी है, क्लोराइड एक है, क्लोराइड एक है, तो ये बैलेंस है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है या फिर, इसी क्वेश्चन की ये दे सकता है विरंजक चूर्ण में क्लोरीन कैसे बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो इसका आंसर ये होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को H2 सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग रिएक्शन करेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा बैलेंस है, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा Cl2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, क्या होता है जब हम सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं। तो देखो सोडियम ऑक्साइड को जल में जब घोलते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इधर सोडियम दो है, इधर टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो एक ऑक्सीजन एक दो, तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये दिया है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन यही दिया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, क्या दिया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, या सोडियम कार्बोनेट, या फिर यही क्वेश्चन ये भी बना के दे सकता है कि सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर कैसे प्राप्त करें, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करें। तो देखो रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दो, जब ये सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया है। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो पे। सोडियम कार्बोनेट
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखो बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, क्या सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे H2O प्लस CO2, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग लिख सकते हैं H2O प्लस CO2, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, ये मत लिखना, यही लिखना H2O प्लस CO2, यही से रहता है कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, यही से रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, किसका किसका, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आप लोग लिख लेना, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे के समझाइए। ये भी क्वेश्चन किसने पूछा है 2022 में, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे के समझाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही 3 है इस चैप्टर का, जो 6 नंबर या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, और इसी तथा बेकिंग पाउडर खाने का सोडा पे भी ये क्वेश्चन बना सकता है कि खाने का सोडा का नाम, मतलब बेकिंग पाउडर का नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग हमें लिखना है। और इसी क्वेश्चन पे ये भी दे सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा क्या होता है, इसके बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये 2013, 15, 17, 18, 20 में पूछा है, और देखो बेकिंग पाउडर खाने के सोडा को सबसे ज्यादा बार पूछा है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2022 तक पूछा गया है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम बोर्ड के लिए। और देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनाता है 2018, 19, 20 और 22 में। ये क्वेश्चन बहुत ही, तीनों जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखना। तो ये पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, कंप्लीट हो गए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर से बन सकते हैं जो आपके एग्जाम बोर्ड में आएंगे। थैंक यू सो मच।